अगला क्वेश्चन है कैफा एंड कंपनी, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कैफा वांट्स टू सेलिब्रेट हिज फर्स्ट बिग सैलरी बाय गोइंग टू अ रेस्टोरेंट बट ही नीड्स कंपनी। तो कैफा हैज एन फ्रेंड्स, ईच फ्रेंड विल एग्री टू गो टू रेस्टोरेंट इफ कैफा आस्क। ठीक है, तो कोई है जिसके एन फ्रेंड्स हैं और उसको कुछ कंपनी चाहिए किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए, उसके पास एन फ्रेंड्स से पूछने के लिए। ईच फ्रेंड इज करेक्टराइज बाय द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज एंड द फ्रेंडशिप फैक्टर इन रिस्पेक्ट टू कैफा। तो हर एक फ्रेंड के पास दो चीजें हैं, एक तो उसके पास कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, और दूसरा एक फ्रेंडशिप फैक्टर है। ठीक है, तो जो हमारा जो कैफा है वो नहीं चाहता कि यार जो किसी भी कोई भी फ्रेंड जो उसका है वो गरीब फील करे, है ना। ठीक है, किसी और के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा और जो कोई एक फ्रेंड है, इट ही विल फील पुअर इफ द कंपनी देयर इज समवन हु हैज एटलीस्ट डी यूनिट्स ऑफ मोर मनी देन ही डज। तो अगर कोई भी फ्रेंड है वो दैट फ्रेंड विल फील पुअर अगर उसका कोई उस कंपनी में एक और कोई बंदा है ऐसा जो जिसके पास उससे डी यूनिट्स ज्यादा पैसा है। फॉर एग्जाम्पल डी की वैल्यू है 3, मेरे पास 1 पैसा है एंड द अदर पर्सन हैज 5 पैसा, तो डी 1+3 = 4 और 4 से ज्यादा पैसा है, तो फिर आई विल फील पुअर। ठीक है, ऑल्सो कैफा वॉन्ट्स द टोटल फ्रेंडशिप फैक्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी टू बी मैक्सिमम। मतलब हमको दो चीजें गिवन है, एक अमाउंट ऑफ मनी वी हैव हिज फ्रेंड्स हैव, एंड दूसरी क्या चीज है कि क्या फ्रेंडशिप फैक्टर है। ठीक है, ये दो चीजें हमको गिवन है और हमको ये बताना है कि यार फ्रेंडशिप फैक्टर शुड बी मैक्सिमम, और जो कंपनी हम इन्वाइट करने वाले हैं उसका जो उसमें यार कोई भी फ्रेंड पुअर फील ना करे। मतलब किसी भी उस कंपनी में ऐसे कोई भी दो फ्रेंड्स ना हो जिसके जिसके पास जो पैसे हैं, अमाउंट ऑफ मनी जो दोनों के पास है उसका डिफरेंस डी से ज्यादा हो। ठीक है, ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम ये देखो, एक बारी को ये वाला स्केच देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, हमारे पास है 4 फ्रेंड्स गिवन है विथ 75, वेयर 75 इज द अमाउंट ऑफ मनी, 5 इज द फ्रेंडशिप फैक्टर 0, 100, उसके बाद 150, 20, 75 एंड 1, और डी की वैल्यू गिवन है हमको 5। ठीक है, तो मतलब 75 और 0 अगर हम इसको सेम कंपनी में रखेंगे तो दोनों का डिफरेंस है 75, तो यार दिस पर्सन विल फील पुअर। सिमिलरली फॉर दिस एंड सिमिलरली फॉर दिस, तो मतलब हम कोई भी दो फ्रेंड्स उठा लेंगे उसका डिफरेंस जो है 5 से ज्यादा ही आ रहा है, तो हम कोई भी दो फ्रेंड्स नहीं उठा सकते। तो मैक्सिमम फ्रेंडशिप वाले फैक्टर हमने वाला ये वाला उठवा लिया, एक ही फ्रेंड लिया कंपनी में, आंसर हमारे पास आया 100। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, एक के पास है 07, दूसरे के पास है 1132, ठीक है, फिर 9910, और हम जो है वो क्या यूज कर सकते हैं, हम 100 तक जा सकते हैं डिफरेंस में। तो यार देखो किसी भी दो फ्रेंड के बीच में 100 तो है ही नहीं, 100 अमाउंट का डिफरेंस तो है ही नहीं, मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो 0 और 99 के बीच में है, तो हम सारे फ्रेंड्स चूज कर सकते हैं, तो टोटल सम जो आएगा वो आएगा 111। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास दो चीजें चेक करने के लिए, एक तो अमाउंट ऑफ मनी और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास फ्रेंडशिप फैक्टर। ठीक है, तो किसी एक के पे लेट सपोज कि मैंने अमाउंट ऑफ मनी के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दी, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जिसके अब हमको डिफरेंस चाहिए था ना अमाउंट ऑफ मनी का, अमाउंट ऑफ मनी का डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन डी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक पूरा जो एरे हमारे पास गिवन है फ्रेंड्स का, उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका कुछ एंडिंग पॉइंट है, तो अगर ये वाली चीज सॉर्टेड है, ये वाली चीज सॉर्टेड है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे कुछ फ्रेंड अमाउंट होगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अमाउंट ऑफ मनी में, इन दोनों के अमाउंट ऑफ मनी में कुछ जो डिफरेंस होगा, लेट सपोज एम आया, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या ये जो M आया वो D से छोटा है, अगर D से छोटा है तो मैं S से E तक सारे फ्रेंड्स अपनी कंपनी में रख सकता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी फ्रेंडशिप फैक्टर होगा इसका सम कर लेंगे, है ना, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है। यही कर सकते हैं हम कि अगर मैंने एक के अपने अमाउंट के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दी, अमाउंट के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला एक बारी को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम, देखो मैंने फ्रेंड्स रखवा लिए 07, 1132 और 99, 10 और 46, 8, 87, 54।
मैंने बोला अमाउंट के बेसिस पे सॉर्टिंग करा लो, तो अमाउंट के बेसिस पे सॉर्टिंग करवा ली हमने, तो सबसे ऊपर तो जीरो ही आएगा, फिर 11 ही आएगा, फिर क्या आएगा 46 आएगा। तो अमाउंट के बेसिस पे सॉर्टिंग करने के बाद क्या बन गया हमारे पास 07, उसके बाद 1132, उसके बाद क्या बच गया 468, 8754 एंड लास्ट में 9910। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं बोलूं कि यार स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक मैं सारे फ्रेंड्स लेने जा रहा हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का के अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वही तो मेरा मैक्सिमम डिफरेंस होगा किसी दो पर्सन के बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो फ्रेंड रखा हुआ है उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है, और एंडिंग पॉइंट पे जो फ्रेंड रखा हुआ है उसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है मेरे स्टार्टिंग से एंड तक के बीच में, क्योंकि सॉर्टेड है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला मेरा एंडिंग पॉइंट है, तो 87 माइनस 0 इतना ही जो था, इतना ही जो मेरा क्या था, इतना ही अमाउंट डिफरेंस आएगा, 87 और 0 का जो डिफरेंस है वही मेरा डिफरेंस आएगा मैक्सिमम इन चारों फ्रेंड के बीच में। तो मेरा फ्रेंडशिप फैक्टर टोटल इन चारों फ्रेंड का कितना हो जाएगा, इस टोटल का सम 7 + 32 + 8 + 54, है ना। तो हम करवा लेते हैं, आओ कोड लिखते हैं। हमको क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक तो एन मिलेगा जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, दूसरा हमको मिलेगा डी। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम कितना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक पेयर का एरे बनवा लेते हैं। हमने पेयर क्लास यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखी है, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखी है। ठीक है, ये पेयर क्लास क्या करता है, सेकेंड के बेसिस पे दूसरे के बेसिस पे, मतलब x और y दो कंपोनेंट्स हैं ये, तो फिर दूसरे वाले के बेसिस पे ये सॉर्टिंग करके देता है ना। ये देखो कंपेयर टू लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले के बेसिस पे करके दे दे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने ये करवा लिया। ठीक है, फर्स्ट वाले के बेसिस पे मेरे को सॉर्टिंग करके दे देगा। तो मैंने पेयर का पी इज बिग, ठीक है, कैपिटल पी है हमारे पास, तो मैंने पेयर का एरे बनवा लिया, न्यू पेयर ऑफ एन साइज। ठीक है, इसमें मेरे को दो चीजें मिलेंगी, एन तक जाएंगे हम, दो चीजें मिलेंगी। कौन सी चीज मिलेगी, पहली चीज जो मेरे को मिलेगी दैट इज माय अमाउंट ऑफ मनी दैट फ्रेंड हैज, तो ले लिया मैंने। एंड जो दूसरी चीज मुझे मिलेगी वो मिलेगा फ्रेंडशिप फैक्टर मेरे को मिलेगा, तो मैंने फ्रेंडशिप फैक्टर भी इनपुट करवा लिया और मैंने अपने एरे में डलवा लिया। एरे ऑफ y इज इक्वल टू न्यू पेयर अमाउंट और फ्रेंडशिप फैक्टर। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को सॉर्टिंग करवा लेनी है। तो सॉर्टिंग किस बेसिस पे हो रही है, अमाउंट के बेसिस पे हो रही है। ठीक है, तो मैंने एरेज डॉट सॉर्ट किया, जब तो कंपैरेटर के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा ये। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बस अपना एक आंसर बनवाना है। मैंने बनवा लिया अपना लॉन्ग आंसर। ठीक है, मेरे को एक करेंट सम भी रखना पड़ेगा। ये करेंट सम क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरे जो करेंट कंपनी का जो फ्रेंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक टू पॉइंटर्स रखे हैं मैंने, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं चला रहा हूँ अपने टू पॉइंटर्स को। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे जो फ्रेंडशिप फैक्टर का समय ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने बोला करेंट सी सम रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं जीरो से। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं करने जाऊँगा ये कि मैंने अपना स्टार्ट रखा यहाँ पे, मैंने अपना रखा एंड यहाँ, एंड भी यहीं पे रखा, इनिशियली मेरा एंड भी यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एंड को तब तक बढ़ाता रहूँ जब तक मेरे स्टार्टिंग और एंडिंग के जो कंपनी है दैट इज वैलिड। एंड वैलिड कैसे होगी वो, जब तक मेरा एंड का जो अमाउंट है, एंड का जो अमाउंट है और स्टार्टिंग का जो अमाउंट है दैट इज स्मॉलर देन व्हाट, स्मॉलर देन डी, है ना। अगर ऐसा है तो मैं अपने ई वाले एलिमेंट को अपने करेंट सम में डलवा लूंगा, ई को प्लस प्लस करवा लूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं स्टार्ट को प्लस प्लस करवाऊंगा कि पीछे वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करा दो। अब यहाँ से जहाँ से भी मैक्स आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम कब तक चलाएं, एक तो मैं बना लेता हूँ, मैंने बनवा लिया स्टार्ट और एंड बनवा लिया। ठीक है, और जब तक मेरा एंड जो है वो लास्ट में ना पहुंच जाए तब तक हम ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखो अगर मेरे जो एंड पे जो रखा हुआ है अमाउंट माइनस स्टार्टिंग में जो रखा हुआ है अमाउंट, एरे ऑफ स्टार्ट डॉट एक्स, ये जो है मेरा अगर डी से कम है तो मैं एंड वाला डलवा सकता हूं। तो मैंने अपने सी सम में एरे ऑफ इसका फ्रेंडशिप फैक्टर डलवा लिया।
ठीक है, एक्स मेरा रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, वाई मेरा रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप फैक्टर को। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा ऐसा नहीं है, और डलवाने के बाद मैंने ई प्लस प्लस भी कर दिया, आगे चले जाओ तुम, अगर मेरा ऐसा नहीं है तो मैंने पहले सब्ट्रैक्ट करवाया एस वाला पॉइंट, कि ये वाला जो हम रेंज से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब मैं शुरुआत में जो फ्रेंड रखा था इसको कंपनी में हम इन्वाइट नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो वाई इसको माइनस कर दिया और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ठीक है। और हर बारी कंपेयर करवा लिया किसको, अपने आंसर को मेरे करेंट से, मैथ डॉट मैक्स मेरा आंसर और मेरा करेंट समझौता सीसा, करेंट ही बोल लेते हैं अब हमने ऊपर सीसम, अच्छा सीसा मिल गया, ठीक है सीसा, ठीक है। और प्रिंट करवा लिया अपने आंसर को, हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो चला के देखें कोई कहीं पे कंपाइलेशन एरर ना, ठीक है यार, यहां पे इंट में ले लेते हैं अमाउंट, क्योंकि हमने पेयर में पहला एलिमेंट इंट रख रखा है, तो इंट ले लिया अमाउंट, एरे ऑफ ई डॉट एक्स और एरे ऑफ एस डॉट एक्स, यहाँ पे भी पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन हो रहे हैं, सब कुछ इंट में ले लें क्या, सब कुछ इंट में ले लेते हैं, चलो ये भी मैंने इंट में ले लिया, ये भी मैंने इंट में ले लिया, कन्वर्जन की दिक्कत अभी भी दिक्कत, डी को, अच्छा डी को मैंने आई से ले लेता हूँ, प्रेजेंट अगर मैंने इंट लिया है तो आई ही ठीक है, कन्वर्जेंस If array of e dot x or s dot x, अगर मेरा d से छोटा है, d is my, what is my d? इसको भी इंट ले लेते हैं, चलो यार x पे क्या रखा हुआ है, x तो मेरी इंटीजर वैल्यू है, अब कुछ तो इंटीजर ही रखा है हमने, देखो देखें क्या किया है, एन डी आई आई, इट इज ऑल्सो आई, इट इज ऑल्सो आई, तो मैंने जो इसको तो लॉन्ग बनाई लेते हैं, ठीक है इट इज माई लॉन्ग एंड दिस शुड बी माई लॉन्ग, ठीक है शॉर्ट करवाया इंट आंसर, इसको लॉन्ग करते हैं यार, इधर ये लॉन्ग करना था और इसको इंट करना था, इंडेक्सेस इंट में होते हैं, ठीक है ये गड़बड़ थी, ठीक है चल रहा है, इनपुट नहीं दिया इसलिए, चलो इसको करते के देखते हैं, सबमिट लॉसी कन्वर्जेंस, इसको क्या हमने सबमिट, रनिंग ऑन टेस्ट वन, रनिंग ऑन टेस्ट फोर, रनिंग ऑन टेस्ट फोर और एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, देखो हमने, हमारे पास दो चीजें थी, एक क्या था हमारे पास, एक था अमाउंट ऑफ मनी माई फ्रेंड्स है एंड दूसरा था फ्रेंडशिप फैक्टर ऑफ एवरी फ्रेंड, तो हमने अमाउंट ऑफ मनी पे सॉर्टिंग करवा ली, ताकि मैं अगर किसी रेंज में हूं तो मुझे उस रेंज का मैक्सिमम डिफरेंस पता चल जाए, तो हमने सॉर्टिंग करवा ली और एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा, एक एंडिंग पॉइंट रखा और मूव करवाना शुरू किया, कि अगर मेरा जो करंट डिफरेंस है, अगर वो अभी जो मैं एक नया एलिमेंट ई जो है वो ऐड करवाने जा रहा हूं, और अगर वो ऐड करवाने के बाद भी मेरा करंट डिफरेंस जो है वो मेरा डी से कम है जो कि, तो फिर हम डलवा सकते हैं, और फिर मैंने वहां पे उसका फ्रेंडशिप फैक्टर ऐड करवा लिया, एल्स हम नहीं डलवा सकते, स्टार्टिंग पॉइंट को कम करवाओ ताकि आगे जाके दूसरा रेंज चेक करें, यही करना था बस, ठीक है थैंक यू।